हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिजीजेस फाउंड इन सिल्क मॉथ सिल्क मॉथ में क्या क्या डिजीजेस पाई जाती हैं ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है अगर ये टॉपिक अगर शॉर्ट नोट में पूछेगा तो इसका सिल्क मॉथ का तीन तरह का डिजीज पाया जाता है वो कोई भी एक डिजीज़ आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है तो क्या होता है डिजीजेस फाउंड इन सिल्क मॉथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन सिल्क वॉम इज़ द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ सिल्क वॉर्म जो होता है वो लार्वा होता है सिल्क मॉथ का इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर लेपिपडोपटेरा ये जो है ये सिल्क वॉर्म जो है ये क्लास इंसेक्टा में आता है और ऑर्डर लेपिपडोपटेरा में आता है यहाँ पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं क्लास इंसेक्टा को और ऑर्डर लेपिपडोपटेरा को सिल्क वॉम इज रियर टू प्रोड्यूस सिल्क सिल्क वाम को पाला जाता है सिल्क के प्रोडक्श मतलब सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वाम और क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरीज मलवरी सिल्क वाम एंड नॉन मलवरी सिल्क वाम सिल्क वाम जो होता है वो दो कैटेगरी में पाया जाता है एक होता है मलवरी सिल्क वाम और दूसरा होता है नॉन मलवरी सिल्क वाम इन सिल्क वाम द डिजीज अकर आर कॉमली सिल्क वाम में तो, तीन तरह के डिजीज पाए जाते हैं पहला फैब्रिन दूसरा फ्लैचरी एंड तीसरा मस्कर डाइन फेवरिन क्या होता है तो फेवरिन इज एल्सो नॉन एज पेपर डिजीज फेवरिन को पेपर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन माइक्रोस्पोरोडियन ये जो डिजीज है ये किसके कारण होता है तो प्रोटोजोन माइक्रोस्पोरोडियन के कारण ये डिजीज होता है पारासाइट मेली नोसेमा एंड अनदर स्पेसिस प्लेस्टोफोरा एंड थेलोहेनिया एल्सो कॉजिस दिस डिजीज दूसरे पैरासाइट जैसे कि नोसेमा बॉम्बिसिस हो गया दूसरा स्पेसिस जैसे हो गया प्लेस्टोफोरा थैलोहनिया ये दोनों भी क्या कहते है ये डिजीज का कारण बनता है दिस प्रोटोजोन पैरासाइट इन्फेक्ट सो द डिजीज इज ट्रांसफरेड टू द नेक्स्ट जनरेशन ये जो प्रोटोजोन पैरासाइट जो होता है ये इन्फेक्ट करता है एग्स को इसीलिए ये डिजीज जो होता है वो दूसरे जनरेशन में भी ये ट्रांसफर होता है दिस डिजीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई लुइस पोस्टर ये डिजीज़ को पहली बार खोजा गया था लुइस पोस्टर के द्वारा ये जो लुइस पोस्टर ये जो नाम है ये आपका एम सी क्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ डिजीज ये डिजीज का क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स है तो नोसेमा बॉम्बिसिस इज अ माइक्रोस्पोरेडियन प्रोटोज पारासाइट नोसेमा बॉम्बिसिस जो है एक तरह का माइक्रोस्पोरोडियन प्रोटोजोन पारासाइट होता है विच किल दिल्क वाम वो मारता है सिल्क वाम को हैस्ट फ्राम इन्फेक्टेड एग्स जो इन्फेक्टेड एग्स निकलता है उस सिल्क वाम को ये मारता है इन लार्वल स्टेज नो फिजिबल सिम्टम्स आर फाउंड बट फ्रॉम मदर मॉथ इट पासिस टू द नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है ये लार्वल स्टेज में किसी भी तरह का सिम्टम्स जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है लेकिन क्या होता है मदर मॉट में जो होता है ना ये पासिस हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में सो फॉर दिस डिजीज़ द इन्फेक्टेड एग्स विल बी डिस्ट्रॉय इसीलिए ये डिजीज़ जो होता है ये इन्फेक्टेड एग्स को इसमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए दूसरा है फ्लैचरी फ्लैचरी इज अ डिजीज़ ऑफ सिल्क मॉत कॉज बाय ईटिंग इन्फेक्टेड और कॉन्टामिनेटेड मलबरी लिब्स ड्यू टू इन्फेक्शन द सिल्क वॉम बिकम्स वीक एंड डाइज इसमें बोला जा रहा है कि फ्लैचरी जो सिल्क मॉत जो एक है एक तरह का डिजीज है जो संक्रमित या दूषित शतुत की पत्तियों को खाने से होता है जिसके संक्रमण से रेशम किट बन जा क्या होता है एक तो या तो कमजोर हो जाता है या तो मर जाता है द इन्फेक्टेड लार्भा बिकम्स डार्क ब्राउन इन कलर जो लार्वा जो है वो संक्रमित जो लार्भा है वो देखने में डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन विच कॉज डायरिया एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है क्या होता है इससे डायरिया का इससे डायरिया भी हो सकता है मस्क्यूडाइन क्या होता है तो मस्क्योडाइन इज अ डिजीज कॉज्ड बाई फंगस मैनी स्पीसीज ऑफ इन एंटेमोपैथोजेनिक फंगस कॉजिस दिस डिजीज मस्क्यूडाइन जो है एक तरह का फंगस के कारण होता है और ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है इंटेमोपैथाजेनिक फंगस के कारण ये डिजीज़ होता है इट इन्फेक्ट मैनी इंक्लूडिंग सिल्क मॉथ दिस डिजीज इज़ एल्सो नॉन एज कैल्सिनो डिजीज़ ये जो मतलब मस्कोडाइन जो एक तरह ये जो होता है ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्पीसीज़ को ये ये करता है जैसे वैसे इन्फेक्ट करता है और इसमें सिल्क मॉथ भी शामिल है और इसको कैल्सिनो डिजीज़ भी कहा जाता है इन नाइनटीन सेंचुरी एगेस्थिनो बैसी फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट द काजिंग एजेंट ऑफ द डिजीज इस फंगस नाइनटीन सेंचुरी में एगेस्थिनो बैसी ने सबसे पहले कहा था कि ये जो एजेंट है ये सब मतलब ये एक तरह का फंगस की वजह से ये होता है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मस्कोडाइन डिजीज आर फाउंड ऑन द बेिस ऑफ कलर ऑफ कॉनिडियल लेयर दे आर डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप ये जो मस्कोडाइन डिजीज़ है इसके कलर के बेसिस पे इसको मतलब बहुत सारे टाइप में बांटा गया है इसके कॉनिडियल लेयर के कलर को देखते हुए क्या क्या होता है तो पहला ब्लैक मस्कोडाइन ब्राउन मस्कोडाइन ग्रेसी मस्कोडाइन ग्रे मस्कोडाइन ग्रीन मस्कोडाइन ऑरेंज मस्कोडाइन Red muscadine, white muscadine, yellow muscadine, yellow red muscadine, and penicillus muscadine. पहला इसमें से आपको कोई पाँच या छः के बारे में लिख दीजिएगा तो हो जाएगा क्या होता है पहला ब्लैक मस्कोडाइन इट इज़ कॉज बाई बिहेवियर ब्रोनोजेनेटली ये किसके कारण होता है तो बिहेवियर ब्रोनोजेनेटली के कारण ये होता है ब्राउन मस्कोडाइन द ब्राउन मस्कोडाइन कॉज्ड बाई स्पोरोजिलियस स्पेसिस इन विच ब्राउन और ग्रीन कॉनिडियल लेयर फाउंड क्या होता तो है ब्राउन मस्कोडाइन जो होता है ये स्पोरोजिलस स्पेसिस के कारण होता है जिसमें क्या होता है ब्राउन और ग्रीन कॉनिडियल लेयर पाया जाता है ग्रेसी मस्कोडाइन इट इज कॉज बाई टेला नेकाटेरिक्स ये टेला नेकाटेरिक्स के कारण होता है दिस फंगस ब्रेक डाउन द काइटिन ऑफ द होस्ट ये जो फंगस है ये होस्ट के काइटिन को ब्रेक कर देता है तोड़ देता है ग्रे मस्कोडाइन इट इज कॉज बाय आइशोडिया जेवेनिका ये जो ग्रे मस्कोडाइन है ये आइसोडिया जेवनिका के कारण होता है ग्रीन मस्कोडाइन इट इज क्व बाई मेटाराइजियम स्पेसिज विच इज आइडेंटिफाइड बाई डार्क ब्राउन लेसन इन द लार्वा ये जो है मेटाराइजियम स्पेशज के कारण होता है और इसको पहचाना जा सकता है इसके डार्क ब्राउन लेसन को देखते हुए लार्वा में व्हाइट मस्कोडाइन इट इज कॉस्ड बाई बिहेवरिया बेसिना ये जो व्हाइट मस्कोडाइन है ये किसके कारण होता है तो ये बिहेवीरिया बेसिना के कारण होता है उसका कंट्रोल फंगिस एजेंट लाइक एज एजार रेकाइटिन एंड फाइटोलैक्सिन इज यूज टू कंट्रोल दिस पैथोजेंस फंगिसाइडल एजेंट का यूज किया जाता है जैसे कि एजआर डी एंड फाइटोलैक्सिन इसका यूज किया जाता है इसको इस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए फार्मेलिन इज ऑल्सो अप्प्लाइड टू कंट्रोल दिस डिजीज फार्मेलिन का भी यूज़ किया जा सकता है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए